मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स आखिर ऐसी क्या बीमारी है जो आहिस्ता आहिस्ता पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लेती जा रही है। हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा ये बीमारी फैल चुकी है, लेकिन बहुत सारी दुनिया में बहुत सारे केसेस रिपोर्ट होना शुरू हो गए हैं। मंकी पॉक्स जो 1970 में पहली बार किसी इंसानी जिस्म में नमूदार हुई थी, इससे पहले बेसिकली ये अफ्रीका की बीमारी है। सेम अगर हम इसको देखें तो ये जिस तरह चिकन पॉक्स वगैरह अमूमन निकलती रहती है, आम है बहुत ज़्यादा, खसूसन बच्चों में बहुत ज़्यादा निकलती है, सेम उसी फैमिली की बीमारी है मंकी पॉक्स। इससे बेशतर ये अमूमन जो है बंदरों में चूंकि ज़्यादातर ये पाई जाती है, तो इस वजह से इसको जो है मंकी पॉक्स का नाम दिया गया है। मंकी पॉक्स किस तरह से, सेम थिंग उसी तरह से जिस तरह से अगर हम इसकी दानों की बात करें तो जिस तरह से चिकन पॉक्स अमूमन बच्चों में हमारे यहाँ ज़्यादातर फैल जाती है जिस वक्त उसका वायरस फैला हुआ होता है, तो छोटे छोटे से दाने जिसमें से पानी निकल रहा होता है, पानी रिस रहा होता है, रेडिश हो जाती है, लाल हो जाती है, सुर्ख हो जाती है। अगर हम सिम्टम की बात करें मंकी पॉक्स के सिम्टम की, तो इसके अंदर हल्का हल्का सा बुखार हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, स्किन रेड हो जाती है, ख़ारिश बहुत ज़्यादा होती है और जो दाने बन जाते हैं उनके अंदर से पानी रिस रहा होता है। यहाँ पे एक सवाल ये पैदा होता है कि हाउ टू ट्रांसमिटेड मंकी पॉक्स पर्सन टू पर्सन, यानी एक से दूसरे शख्स को आखिर ये बीमारी कैसे फैलती है। तो ये चूंकि फैलने वाली बीमारी है, यानी स्किन में जब जब दाने बनते हैं तो उसके अंदर से एक मवाद निकल रहा होता है, एक पस मटेरियल निकल रहा होता है, जो अगर किसी सेकेंड पर्सन को टच हो जाए, उसकी बॉडी से टच हो जाए, तो यकीनन उसके अंदर भी ये बीमारी फैलने के चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो बहुत सारे ट्रीटमेंट हैं, लेकिन यहाँ हम आपको होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताएंगे कि होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए से हम इसको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए मंकी पॉक्स अभी तो पाकिस्तान में इतना ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुआ, कुछ केसेस मुश्तबा केसेस जो है वो उन्होंने रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन उसमें भी कंफर्म नहीं है कि ये मंकी पॉक्स है। बहरहाल अल्लाह खैर करे, तो अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन की बात करते हैं, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करते हैं मंकी पॉक्स के लिए, तो हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बेलाडोना रेडनेस के लिए बहुत बेहतरीन रिजल्ट देती है। इसी तरह से अगर इचिंग की बात की जाए तो एपिस, चूँकि चिकन पॉक्स में बेलाडोना एपिस यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं और नो डाउट बहुत अच्छे जो है इनके रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा सिम्टम के हवाले से होम्योपैथिक पल्सातिला भी दी जा सकती है, सल्फर भी दी जा सकती है, सारी चीज़ें फिर आपको मालूम है कि कंडीशन के हिसाब से जो सिम्टम बनती हैं होम्योपैथिक मेडिसिन सिम्टम के हवाले से दी जाती है।